सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? होप कि आप लोग सब बड़े होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMP पियानो लवर में। सो दोस्तों, आज का टॉपिक हम आपको बहुत ही खास बताने वाले हैं, क्योंकि हम आज आपको एक ऐसी फार्मूला बताएंगे जिसे कोई भी सॉन्ग या कोई भी गाना आप आसानी से हारमोनियम पर, पियानो पर आसानी से बजा लोगे। सो दोस्तों, बिना देरी किए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम जब कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो सबसे पहले हम एक सरगम बजाते हैं, ठीक है? तो मैं काली तीन से बताने वाला हूं आपको, तो आप ध्यान रखें, मैं काली तीन से बता रहा हूं, ठीक है? आप कई लोग क्या है, एक से बजाते हैं, दो से बजाते हैं, तीन से, चार से, पांच से, ठीक है दोस्तों? तो सबका एक पसंदीदा बटन होता है और मेरा गला प्रॉपर तीन से मैच करता है, तो मैं काली तीन से बजा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं, काली तीन से बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों? तो ध्यान से देखिए, तो आइए देखें काली तीन से सरगम, ठीक है? ठीक है प्यारे साथियों, तो ये है हमारा काली तीन से हमारा शुद्ध स्वर, ठीक है दोस्तों? तो आपको करना क्या है, ये हमारा श है और इस श से लेके इस श तक, पहले आपके मन में जो कन्फ्यूज़न रहती है बिगनर्स लोग का, वो पहले मैं कंफर्म करा देता हूँ। जब आप कोई भी सॉन्ग बजाने के लिए बैठोगे या बजाओगे, तो आप प्लीज़ एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जब काली तीन से बजा रहे हो तो आपका जो गाना है इस काली तीन से इस काली तीन, इसके बीच में ही प्रॉपर गाने का म्यूज़िक है, गाने का बोल है, गाने का जितने भी पार्ट्स आएगा, कार्ड्स वगैरह, वो सब इन्हीं के बीच आएगा। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे कि आप काली तीन से बजा रहे हो तो गाना चल रहा है काली चार से, तो अगर आपको सुर ज्ञान है तो आप कन्फर्म काली तीन से उस गाने को सुनकर सेम टू सेम वहीं पास नहीं बजा सकते, क्योंकि उसका जो मेन स्केल है काली तीन है ना, काली चार है, तो आप काली तीन से बजा रहे हो तो थोड़ा सा गलत होगा ना। क्या है, आपको काली तीन से बजा रहे हो तो गाना बज रहा है प्रॉपर काली चार से, ठीक है दोस्तों? तो आप इसको काली तीन से ना बजाकर काली चार से अगर उस सॉन्ग को जो बज रहा है ओरिजिनल स्केल है वहाँ से बजता है, तो आप इसको आसानी से काली तीन या चार से प्ले कर सकते हो, ठीक है? तो मेन ओरिजिनल होता है उसी से प्ले करो तो वो भी अच्छा है, ठीक है? मेरा पसंदीदा बटन तीन है, तो आइए देखते हैं यहाँ से कोई एक सॉन्ग, ठीक है दोस्तों? तो आपको सबसे पहले स्वर ज्ञान के लिए करना क्या है, आपको ये जो यहाँ सा है, यहाँ सा, इसको आपको यहाँ पे सुनकर ज्ञात करना कैसे है वो चीज़ फार्मूला बताता हूँ, एकदम सटीक और आसान तरीका है, ठीक है? आपको करना क्या है, देखिए, तो ये हमारा शा हो गया, ये हमारा शा हो गया, ठीक है? ये शा और ये हमारा दूसरा होगा रे, ठीक है? शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, शुद्ध पा, शुद्ध धा, शुद्ध नी, शुद्ध सा, ठीक है दोस्तों? ये इतना कंफर्म। अब उसके बाद आता है हमारा जो हमारा रे है, ठीक है? रे कौन सा है, ये वाला रे। तो इसको याद कैसे करना है, देखिए, ठीक है, गला प्रॉपर मैच करना चाहिए तभी आप इस चीज़ को सीख पाओगे, कर पाओगे, ठीक है दोस्तों? ये हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा गा, तो ये देखिए, ठीक है, हमारा गला क्या है, प्रॉपर मैच करता है काली तीन से, तो हमारा जो गला है देखिए खींच रहा है गा, मतलब प्रॉपर इस सॉन्ग पे हमारा गला बैठता है, ठीक है दोस्तों? तो आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर करना चाहिए और क्लियर करके ही आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करने बैठना चाहिए, ठीक है दोस्तों? उसके बाद आता है हमारा माँ, देख लेते हैं, देखिए ये हो गया हमारा रॉन्ग,
कैसे रॉन्ग हुआ, मैं इसको म ग रे सा बोल दिया, ठीक है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स रे गा म प ध नी और सा, ठीक है। ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा, अगर स्किप करके देखोगे मैं अभी गलत बताया उसको भी आप सही मान बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी आपको वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ कर लेने के बाद आपको, हमने तो आरोह देख लिया, अब अवरोह देखेंगे, ठीक है। आरोह देख ले, अवरोह देखेंगे। तो आरोह कैसा होगा, अवरोह हमारा दोस्तों, ये हुआ कंप्लीट हमारा आरोह अवरोह एकदम, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम माइंड में कुछ एक सॉन्ग गुनगुनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो आपको गाना कैसे करना है ये चीज हम यहाँ पे बताने वाले हैं, देखिए। तो एक सॉन्ग है पॉपुलर परदेसी परदेसी, ठीक है। इससे सरल गाना और सीखने का आसान तरीका इस गाने का कोई भी सॉन्ग नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये एकदम आसान गाना है और इससे ही आप कई सारे गाने इसी तरीके से, इसी फार्मूला को अपनाकर आसानी से निकाल सकते हो, हारमोनियम मार्गन जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए उस सॉन्ग को पहले हम देखते हैं। मैं काली तीन से बजा रहा हूँ तो इसका मेन ओरिजिनल भी काली तीन ही है, ठीक है दोस्तों। तो म्यूजिक पहले कैसे बजता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ला 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 ला, जब आपकी गले की आवाज़ हरकत करे तो आपको यहाँ पर अपने सुर है उसमें भी हरकत होती है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे गला हरकत करती है वहाँ पे यहाँ पे स्वर भी हरकत करती है, कैसे बताऊँ, ला 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 ला, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई कम हाई कम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको प्रॉपर गाना कोई भी सॉन्ग बजाओ तो सबसे पहले आपको गुनगुनाना आना चाहिए, ठीक है। अब जब गुनगुनाना आप सीख जाओगे कोई भी सॉन्ग आपका कोई भी कठिन नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, ला 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 ला, अब वो कहाँ पास होगा देखिए, ला ला ला, ठीक है, ला 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 ला, तीन स्वर है ना, ला ला ला, देखिए देखिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर है, दूसरा पार्ट एकदम आसान है, ला 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 ला। देखिए जब आपका जो गला है, ठीक है, हरकत करेगा और हरकत के साथ साथ आपको ये आना चाहिए कि कौन सा हमारा कहाँ पर हमें अवगत करा रहा है, अनुभव करा रहा है स्वर का, ठीक है, कौन सा स्वर लगेगा, ये चीज का आपको चिंतन मनन हमेशा करना चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये हो गया देखिए, ठीक है, ला 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 ला, कम से हाई की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ला 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 ला, ठीक है। तो इससे आप अनुमानित लगा सकते हो या एक तर्क लगा सकते हो कि इसका जो स्वर है ये आगे जाएगा या पीछे की ओर है इसका स्वर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर है, उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट और इसकी गाने की बोल है वो देखते हैं, ठीक है। तो गाने की बोल देखिए, हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, अब आता है डायरेक्ट गाने की पार्ट, ठीक है।
परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक है। तो मेरा गला काली तीन से मैच करते थे, ये देखिए। ठीक, प्रॉपर है, यहां से क्लियर है, ठीक है। आपके माइंड में कोई भी गाना हो, गुनगुनाना आना चाहिए आपको। मैं इस बात को हर एक वीडियो में हमेशा बोलते आया हूं, क्योंकि ये यही तरीका है एक ऐसा जो आपको कोई भी गाना आसानी से बजाने में, ये तड़का लगाने में आपको मदद करेगा, ठीक है। गुनगुनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। ला 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 ला। देखिए यहाँ पे हरकत हो रही है ना, क्या है, आपने पियानो पे रियाज किया है, ला 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 ला, ये चीज़ का रियाज किया है ना आपने, तो आपको गले की हरकत के हिसाब से आप स्वर को भी आसानी से ढूंढ लोगे, वहीं पे तुरंत गाना बजाते बजाते आपको वो सुर ढूंढ लोगे। वो आपको कम से कम इस स्वर ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यकता है प्यारे साथियों, तो ये सब चीज़ आप करके रखिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये उसके बाद देखते हैं। ला 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 ला, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो बैठेगा कहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग रे सा, ठीक है दोस्तों। आप इसको हमेशा सारे गामा नहीं बोल सकते, तो एक दो तीन भी बोल सकते हो, या ओम के हिसाब से भी इसको ओ, मतलब अपने बोल के उच्चारण के हिसाब से आप इसको माइंड में बैठाने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि इसको सा रे गा ऐसे बोलते रहो, सारे गामा रटते रहोगे तो उम्र बीत जाएगी, गाना बजाना नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, मुझे छोड़ के ला 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 ला, वो देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे क्लियर है, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के, तो ये आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हो इस गाने में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट, ठीक है। परदेसी मेरे यारा, ठीक है, तो वो हम ढूंढेंगे कैसे, ला 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 ला, ये चीज, ठीक है, सा ला 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 ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्लियर है, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, ठीक है, ला 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 ला, गाने के हिसाब से स्वर यहाँ पे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज का आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये है परदेसी मेरे यारा, परदेसी मेरे यारा वादा भुलाना, ठीक है दोस्तों। मुझे याद रखना, ये कहाँ पे आएगा उसको देखते हैं, सा मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, ठीक है, हाई है ना, हाई की ओर, मतलब तार सप्तक है सॉन्ग में, ज्यादातर ताप सर तार जो हमारा होता है ना, तार सप्तक, मध्य सप्तक, मध्य सप्त मध्य मंद्र मध्य तार, ठीक है दोस्तों। तो ये
ठीक है, तो ये गाने हरकत के हिसाब से यहाँ पे स्वरों पे चेंज होती है, स्वर यहाँ पे लगते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल रहती है गाने को एकदम हिट से हिट बजाने का बराबर प्रॉपर तरीका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई जरूरी ही नहीं कि दो शब्द में दो बटन आए, ठीक है, कई तीन शब्द तक में तीन जो बोल होते हैं गाने की, तो तीन अक्षर का एक ही स्वर भी आ सकता है, ठीक है। वो गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि गाना कैसा है, कैसा बज रहा है, उसमें एक स्थाई है। स्थाई का मतलब देखिए एक ही स पे कई शब्द ऐसे होते हैं जो स पे ही आएगा, जैसे मेरा, ठीक, मेरा कर्मा तो, देखिए मेरा कर्मा तो मेरा धर्मा तो, देखिए तो एक ही शब्द, एक ही शब्द में, ठीक है, ये हमारा शब्द कौन सा है, सा, तो हमारा जो गाने का बोल है उसमें कौन सा शब्द है, कई सारे शब्द उठ रहे हैं लेकिन स्वर कौन सा लग रहा है, सिर्फ एक ही, मतलब चार पांच शब्द का भी एक स्वर आ सकता है, ठीक है, वो गाने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर गाने में एक शब्द तक डबल होगा कि डबल स्वर लगेगा, ये ट्रिपल स्वर लगेगा, ऐसा नहीं होता प्यारे साथियों। इसमें गाने के हिसाब से इसमें चेंज होते रहता है और इसमें डिफिकल्ट होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आइए देखते हैं हमारा दूसरा नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, उसके बाद धुन आ जाती है इसका। ये वाला हमारा धुन है, तो उसको देखते हैं हम कहाँ से निकाल पाएंगे, वो कहाँ पर छिपा है। देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लियर बराबर मैच होता है हमारा गाना, ठीक है। तार सप्तक का यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ है, आपको बताया हूँ, ठीक है। ठीक है, कितने बटन है, एक दो तीन चार पांच बटन, अभी जो धुन बताया हूँ पांच बटन से आधारित है, ठीक है, मैं काली तीन से बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। मैं यहाँ से आ रहा है धुन, मतलब पांच से बजा रहा है, ऐसे करके मत बोलना, ठीक है, काली तीन से बता रहा हूँ। और जो गाने का ज़्यादातर बोल और म्यूजिक पार्ट होता है तार सप्तक की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए देखिए मंद्र सप्तक की ओर, ठीक है, एक बार पहले सुन लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ना ना नर ना ना नर ना 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 नर ना 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 नर ना ना नर ना 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 नर ना, ठीक है, बाद मतलब जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा तार सप्तक की ओर जा रहा है, देखिए ला 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 ला, ठीक है, ला ये पगा, ठीक है, पगा ये वाला हमारा सप्त आ रहा है, ठीक है दोस्तों, हमारा पगा, ठीक है, ला सा सा ए सॉरी गा गा रे सा सा ए ना 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 ना।